रतलाम जिले के सपना व्यास को समाज सेवा की प्रेरणा महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई में कार्य करने से मिली। साथ ही वरिष्ठ स्वयं सेवकों के निरंतर मार्गदर्शन से उसके अंदर देश हित में कुछ करने का जज्बा विकसित हुआ। शुरू से ही सपना व्यास मेघावी छात्रा रही है और पढ़ने में तेज होने के साथ साथ वो समाज सेवा के कार्यों में भी आगे रहती है। 3 वर्ष पूर्व राष्ट्रीय सेवा योजना के इकाई से जुड़कर निरंतर अपने प्रतिभा के बलबूते इकाई से कई जिले, कई विश्वविद्यालय और कई राज्यों से राष्ट्रीय स्तर पर रतलाम जिले का प्रतिनिधित्व करती हुई वह आज 6 राज्यों के बीच पूरे विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व स्तर पर रतलाम जिले का प्रतिनिधि करती हुई वह आज 6 राज्यों के बीच पूरे विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व कर रही है। इस शिविर के चयन से पहले सपना ने इकाई जिला विश्वविद्यालय स्तर और विश्वविद्यालय स्तर से राज्य स्तर और राज्य स्तर से चयन प्रक्रिया में पास होकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। सुबह 5 बजे उठकर दौड़ लगाना, परेड सीखना यह उनकी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है। इसी की बदौलत आज वह दिल्ली में पूरे प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार है। अगर दिल्ली में परेड शिविर के लिए व्यास का चयन होता है तो वह पूरा मध्य प्रदेश का नेतृत्व करने वाली रतलाम जिले की अकेली छात्रा सेविका होगी। मध्यम वर्गीय परिवार से जुड़ी सपना का सपना है कि वह बड़ी होकर निरंतर देश सेवा में अपना जीवन लगा दे। रतलाम से राहुल बैरागी की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।